सामने पैदा वहीं का गई तो हम जाने तुम तो हम नहीं तो बताओ मकान का कच्चा, बिल्कुल अब तो कुछ, बिल्कुल 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 कच्चा अब कुछ छप्पर जरूर समझ गए तुम बात हाँ। हाँ, जो गई तुम्हारी कलाकार गलत है नहीं भी है उसका हो गया नाम जिसको रिका बोलते हैं तुम हो तो उसको घमंड गया घमंड हो गया उसको तो, घमंड हाँ। तो तो हो गया ना तो ऐसा नहीं उस श्रीकांत नहीं मिलो श्रीकांत को दे रहे श्रीकांत को दे रहे श्रीकांत का गई मामा ने तो कल कल मेरे कल मिलो, कल, कल बात का हमसे कुछ तुम जा रहे रहे हमारे दिक्कत का गई वन नयन और तो मेरी मेरी बिरादरी का गई है खूब सर में का मतलब हमें कोई मतलब थोड़ी ज्यादा कलाकार है ना भाई ज्यादा छोटो आदमी कुछ बन पंजाब पंजाब समझ लगते बहुत हैं बन गए हैं तो वहाँ वो है पंडित कोई आता जाता नहीं मेरी बात समझ नहीं ली और वहाँ दुआारी ने वाले हैं तो गरीब आदमी को तो थोड़ा लालच होता है अपने तो लालच है नहीं वो लालच होता है तो वो वहां खाना पीना व्यवस्था उनकी उनके लिए जे वो तो जे नहीं है अपना आवाज समझ रहे बराबर सिवाई डारा चक्कर में कायम हो जाए शिवाई ना चक्कर में तो इसलिए भी फेमस है बुढ़ा रहे को मारे डेरा बुढ़ा यार यारे कहा है संजय नहीं है तुम नहीं भी बातें कर दे उनके में में जाता जाता उनके कहने का मतलब चैनल तो दे दिया वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर से लेकिन अभी भी जो कमाई हो रही है मतलब जो पैसा आ रहा है खाते में लड़की ने खा दो लड़कियाँ तो मतलब कह दियो दो तीन हम बुलवा दिए कही और जब उनकी तुम बुढार उछाओ ले उछाओ का सभी को नमस्कार मेरा नाम है मनु झा और आप देख रहे हो मनु के ब्लॉग्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िला में और एक कस्बा है दिबियापुर दिबियापुर के पास में एक गांव है अरियारी और यहां के आपने सुना होगा शिवानी कुमारी ऑफिशियल करके एक यूट्यूब चैनल है और यहाँ की है शिवानी कुमारी तो हम गाँव में इनके आ चुके हैं तो यहाँ पे एक मंदिर है तो मंदिर पर हम यहाँ पे आ चुके हैं और एक अंकल जी मिले हैं चलिए हम उनसे बात करते हैं और हम आपको बताते हैं यहाँ के बारे में और शिवानी के बारे में कि वो कैसे कैसे क्या क्या वायरल हुई उनके बारे में पूरी जानकारी आइए के एक अंकल जी हैं हैं वो देते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें मंदिर है यहाँ पे और ये अंकल जी बैठे हैं चलिए आपको इनसे मुलाकात करवाते हैं अंकल जी नमस्कार अच्छा तो पहले तो आप ये बताइए क्या नाम है आपका रमेश चंद कल्लू अच्छा अच्छा कौन से कौन से गाँव के रहने वाले हैं आप अगारा अच्छा अच्छा तो आप और ये अरियारी कितने दूर में आपका गांव और इनका एक किलोमीटर का फर्क किलोमीटर का अंतर मतलब गांव को ही समझो हाँ गांव एक किलोमीटर का अंतर है अच्छा अच्छा तो आप इनको कब से जानते हो शिवानी को और राधा को राधा को पास में रहने हाँ। वाले तो बेसिकली सभी कुछ जानते हो अच्छा अच्छा तो आप बताओ अभी क्या है कि काफी दिन काफी दिन पहले से शिवानी तो यहाँ के बारे में जानती थी सभी लोग उनको जानते थे अभी क्या एक राधा देवी करके एक महिला है वो वायरल हो रही है और उनके काफ़ी अच्छे व्यू वग़ैरह आ रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे उनको कैसे जानते हैं आप राधा बिचारी बहुत थी उसकी ग़रीब थी अच्छा। वो सुबहानी के यहाँ खाना ना बनाने जाती थी वो तो वो खाना ना वहाँ बनाने जाती थी खाना ना बनाती खवाती थी उसको तो फिर जो उसको जो है उसकी लड़की शादी हुई उसने जो कुछ किया होगा जो नल लगवाया बच्चों को जो है शादी में जो कुछ किया खर्च पानी किया उसने नल लगवाया और लड़की उसकी शादी की उसकी रस्मी की उसने शादी की और अयी कहीं और अः की है जहाँ तक अच्छा राधा देवी के कितने बच्चे हैं राधा देवी के साथ हमारी समझ में दो बच्चे हैं मेरी जानकारी में एक लड़का एक लड़की है उसकी दो बच्चे हैं उसके

अच्छा ये जल्ला आपको क्या लगता है जैसे शिवानी है और राधा है हाँ। तो देखो शिवानी तो वीडियो बनाती ही है कहने का बराबर बराबर अब वो राधा देवी भी वीडियो बनाने लगी तो आप किस नजर से देखना चाहोगे इनमें किन की गलती है क्या कहना चाहोगे इस बारे में जानकारी हुई अभी उनके भैया से हमारी बात हुई थी अभी हम आए थे तो उनके भैया ये बोल रहे थे कि चैनल तो जैसे तैसे करके दे दिया है फिर भी बहुत लड़ाई झगड़े करके और सभी लोगों को बता के कि हमारा चैनल उन्होंने छोड़ा लिया है और हमारा चैनल बहुत ही मतलब जो अर्निंग हो रही है उससे पैसा जो आता है उनके खाता में जाता है उनके खाता में जाता है। हा, 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 उनके खाता जाता है है में जैसे कहने का मतलब उन्हें चैनल तो दे दिया वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं। नहीं। लेकिन अभी भी जो कमाई हो रही है मतलब जो पैसा आ रहा तो है उनके खाते में अब ये तुमको भी किसी ने उठाया होगा कि किसी ने उठाया तुमको राधा देवी आपकी बिरादरी की है कि किसानी है

बो चक्कर का वो वो हो गया क्या नाम जिसको का बोलते हम तुम हो तो उसको घमंड हाँ हो गया उसको घमंड हाँ। हो गया ना यार ऐसा नहीं होता यार कोई बात किया श्रीकांत नहीं मिले श्रीकांत को दे रहे श्रीकांत कोई कहा गई मामा ने वो कल कल मेरे कल कल बात का हमसे कुछ तुम जा रहे हमारे दिक्कत का जा रहेगा गौत कहा थोड़ी चीज है हाँ ज्यादा ज्यादा कलाकार है ना भाई ज्यादा छोटो आदमी कुछ बन पंजाब ने आप समझ लगते बहुत बड़े लंबे बे बन गए हैं गई ये चक्कर हम आप सीधी बात हम दो यार करो तो यार लल्ला याद करोट थोड़ी कहा गई ना कोई कलाकार कहा गई है ये चक्कर है मेरी बात समझ नहीं रही तो उनको वहाँ पंडितों ंड वो है hmm. पंडित तो कोई आता जाता नहीं मेरी बात नहीं ली और भाई वहाँ दुआारे रहने वाले हैं hmm. तो गरीब आदमी को तो थोड़ा लालच होता है अपने तो ये लालच है नहीं वो लालच होता है तो वो वहाँ खाना पीना व्यवस्था उनकी उनके लिए जे वो तो जे नहीं है अपना आवाज समझ रहे hmm. बराबर के जब हो थो, तो थोड़ा कटता है आदमी बात समझो तो तुम पहले hmm. बात ये है तो बात हमारी जे है सीधी बात में बताई थी बात को आप समझ लो ये बात जे है चक्कर में कहा जब सिवाई डारे चक्कर में कायम होवाई डारे ना चक्कर में तो इसलिए भी फेमस है बुढार पे गड़िया गांड को मारे डेरा बुढ़ार पे यार बाबा कहा है